KVS डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ये पूरा पेपर है, इसमें क्वेश्चन भी है और आपको आंसर के सही आंसर के टिक लगा दिए जाएंगे। और यह वीडियो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होगा कि अगले एग्ज़ाम में आप जैसे ही KVS की वैकेंसी आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और उनके जवाब किस तरह से देने हैं। तो चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह पेपर हुआ था 28 फरवरी 2023 को, प्राइमरी टीचर का है, केंद्रीय विद्यालय का। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये अरेंजमेंट का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। हमलेट इज अनेबल टू टेक ए डिसीजन ऑन व्हाट टू डू एंड दिस लीड टू हिज ट्रेजिक एंड। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। दे विल स्टार्ट द जनरी एट मिडनाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। द जर्नी विल बी स्टार्टेड बाई देम एट मिडनाइट। तीसरा प्रश्न है, इसको ब्लैंक भरना है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम ट्राइड ऑफ वॉकिंग एंड लेजी, ऑफ आएगा इसमें। चौथा प्रश्न, चूज द करेक्ट टेंस, तो यहाँ टेंस से प्रश्न पूछा गया है, तो ही सेल है फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर आई मीट हिम, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्दर, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। सेल है फिनिश्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, हैव है, तो फ्यूचर आया, सेल आया, तो ये फ्यूचर को दिखाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। द प्रिस्ट सेड वी आर ऑल साइनर्स, द प्रिस्ट सेड दैट वी आर ऑल साइनर्स, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंट एन एरर, तो इसमें एरर बतानी है। द लिटिल गर्ल कैन स्विंग कंफर्टेबल इज नॉट इट, तो इसमें एरर है ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बी गिवन वर्ड,
लिबरल, तो लिबरल का मीनिंग बताना है। तो लिबरल का मीनिंग हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड डेथ। तो यहाँ अपोजिट बताना है यानी विलोम शब्द बताना है। तो डेथ का हो जाएगा प्लेंटी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यू वॉन्ट हैव परमिशन टू गो देयर अनलेस यू हैव ए वैलिड परमिट फॉर दैट। तो यहाँ हो जाएगा एक कंजक्शन है, ऑप्शन 2। अनलेस क्या है? कंजक्शन है, योजक है। क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लू इन द गिवन सेंटेंस। दे ले डाउन व्हेन दे हैड फिनिश्ड दिस वर्क। तो अंडरलाइन का हमें आइडेंटिफाई करनी, पहचान करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब क्लूज है, ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 11वें नंबर क्वेश्चन है, कबीर के व्यक्तित्व में समन्वय था। विरोधी तत्वों का समन्वय था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर के बारे में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन कबीर के बारे में सही नहीं है? तो कबीर ने अपने धर्म संप्रदाय चलाया। तो यही सही नहीं है, क्योंकि कबीर ने अपना धर्म संप्रदाय नहीं चलाया, ऑप्शन 3। कबीरदास ने निम्न में से क्या नहीं किया? सही आंसर हो जाएगा, धर्म का प्रचार नहीं किया कबीरदास ने। यह मेरा चश्मा है वाक्य की रेखांकित शब्द में कारक है, इसमें संबंध कारक हो जाएगा। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा, विद्यार्थी विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये गलत है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धरित्री नहीं है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द में जो असंगत है उसकी पहचान करनी है। तो कुटिल सहज, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, तो दाता और दात्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यही असंगत है। न 3 में न 13 में, मुहावरे का सही अर्थ बताना है।
तो कहीं का न रहना मुहावरे का अर्थ है कहीं का न रहना। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है, तो ये जो रेखांकित शब्द है इसमें सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के प्रश्न देखते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने। बाईसवा क्वेश्चन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? सूरा राई पोटरू ने जीता था। सूरा राई पोटरू ने। क्वेश्चन नंबर 23। उत्कृष्ट एथलीट पीटी उषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य की। उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था, ये ही इसका गलत है, बाकी सही है, आप पढ़ लेना। साहित्य अकादमी द्वारा बोडो भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था लंगब नानी बोखाल गोथे को। लंगब नानी बोखाल गोथे को दिया गया था। अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विजयी रहा? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। ऑप्शन एक। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को प्रस्तुत करते समय जॉन न्यूलैंड को ऑक्टेव्स का विचार किससे मिला? तो ये मिला था संगीत से मिला था। ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला यानी विंड वूमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला विंग वूमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? कानून का मानवाधिकार, ज्ञानोदय, शाश्वत तत्व, फ्रांस की ध्वज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कानून का मानवाधिकार। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? भारत में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किसके अनुसार किया जाता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा। प्रश्न है
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में घरों में रहने वाली आबादी द्वारा उत्पन्न स्वच्छता सुविधा का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है लक्षद्वीप का, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप का। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल है सरसों, रबी की फसल है। मक्का, कपास, धान ये रबी की नहीं है, खरीफ की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित संख्या क्रम में से ऐसे कितनी संख्या युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक क्रमागत आरोही क्रम में? तो यहाँ पर देखा कि 30 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से आए थे, अब क्वेश्चन आ चुके हैं रीजनिंग के, 31 से रीजनिंग चालू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 8। अगला प्रश्न है, इसमें ये सीटिंग अरेंजमेंट का है और यहाँ पर सीटिंग बना कर के इन्हें बताना होता है कि वी के बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यू बैठा होगा बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब इसकी डिटेल के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से इसको डिटेल्स में नहीं बता सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, तो इसको आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना और इसका उत्तर क्या आएगा निकल करके वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप खुद सॉल्व कर लो और फिर उसका उत्तर देख लेना। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, दक्षिण दिशा में। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। चौंतीस का आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कथन 1 अथवा कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों में से कोई सा भी उत्तर दे सकता है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां। पैंतीसवां प्रश्न है, ऐसे कितने शिक्षित अविवाहित पुरुष हैं जो नर्तक नहीं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4 निकल करके आएगा, ये आप देख लेना और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे जाएगी डिटेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, अब ये कंप्यूटर से आ चुके हैं यानी कि 5 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं और अब कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा माउस को इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, आउटपुट के रूप में नहीं। अगला प्रश्न है 37वां,
तो ये आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ब्राउज़र को लोकप्रिय उदाहरण है, यानी वेब ब्राउज़र जो लोकप्रिय है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ये लोकप्रिय ब्राउज़र है, बाकी लोकप्रिय नहीं है। 37वें में 38वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्नों को आप पढ़ लेना और वीडियो को रोक रोक करके देख लेना। आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है, यानी वायरस कहाँ से प्रवेश नहीं करता है, तो जो माइक्रोफोन होता है यानी कि माइक होता है वहाँ से वायरस नहीं आता, बाकी सब से आता है। अगला प्रश्न है, जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाए तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दो, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में S का अर्थ है, तो S का अर्थ है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक है, तो वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक है, यही गलत है। तो ये आगे हैं क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि अधिगम से प्रश्न आ चुके हैं, यानी कि टीचिंग मेथड से है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की कुल लंबाई कितनी होती है। 42वां प्रश्न है, तो 1/4। जन्म के समय शिशु के सिर की कुल लंबाई 1/4 होती है, ऑप्शन दो इसका आंसर होगा। 43वां, इसको पढ़ करके इसको उत्तर देने हैं, बालक का विकास किस चरण में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, आरंभिक बाल्यावस्था का है, कि बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, बालक अहम का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है, बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, तो आरंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न 44वां है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है किशोर के लिए। तो किशोर के लिए ऑप्शन 3 सही नहीं है, केवल विपरीत लिंग समय समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं, तो यही इसके लिए सही नहीं है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, अंतःक्रियात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, किस वयवर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है, 5 से लेकर के 8 वर्ष के बालकों में। चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में।
निम्नलिखित तो वाक्य को पूरा कीजिए। निम्नांकित वाक्य को पूरा कीजिए। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नांकित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? इसमें आएगा परिवार। परिवार बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण एजेंसी है। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नांकित में से किसके भीतर अद्भुत होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास। विकास में होते हैं, ऑप्शन तीन। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। सही कथन हो जाएगा ऑप्शन एक। सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज का परिणाम होता है? सामाजिक और भौतिक वातावरण का परिणाम होता है। ऑप्शन तीन इसका राइट आंसर होगा। यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नांकित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। अच्छा नागरिक बनने में गुणों का विकास। विद्यालयों को सामाजिक अधिगमकर्ता कहा जाता है यदि वे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। तो ऑप्शन तीन इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न, मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमनात्मक चिंतन कर सकती है तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है एवं व्यक्तिगत अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर, औपचारिक संक्रियता। तो मैं आपको प्रश्नों के टिक लगा देता हूँ और आप प्रश्नों को पढ़ लेना, वीडियो को रोक करके, और उनके उत्तर दे देना। बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए निम्न में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दो मुख्य बात नहीं होगी, विद्यार्थियों की योग्यताओं और पृष्ठभूमि का अध्ययन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है, नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? अधिगम के लिए आकलन ऑप्शन एक होगा। 58वां प्रश्न, और इसका उत्तर होगा ऑप्शन चार, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो
तो निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। तो मैं आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लगा देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप प्रश्नों के उत्तर देखिए और इनको रोक रोक करके आप पढ़ लेना और 59वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसमें दो आंसर आएगा सही, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। साठवां क्वेश्चन, इसका आंसर 4 आएगा उत्तर। इकसठवां प्रश्न है, इसका आंसर 2 आएगा, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सही होगा, मापन गुणों की मात्रा बताने की प्रक्रिया है। तिरसठवां प्रश्न है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चौसठवें प्रश्न का राइट आंसर 4 होगा। पैंसठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। छियासठवां प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। सड़सठवें का भी राइट आंसर 4 होगा। आप वीडियो को रोक करके इनके आंसर देख सकते हैं क्योंकि वीडियो 180 प्रश्न है और 180 प्रश्नों में वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। 69वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आएगा। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 71वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिव्यांगजन शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक भावात्मक स्वास्थ्य होना। 73वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 74वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 2। 75वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 1। 76वां प्रश्न है कि दिव्यांग बालकों के लिए अक्षमता का लाभ लेने हेतु विनिर्देश क्षमता की न्यूनतम मात्रा क्या होनी चाहिए। तो इसमें उन्हें 40% का बालक है तो उसको मिल जाएगी इसमें। 77वां क्वेश्चन देखें, 77वें का होगा ऑप्शन 2, माइक्रोसिफेली। 78वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड।
अब 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, परानुभूति। अस्सीवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, यानी हार्मोन असंतुलन। आप प्रश्नों को पढ़िए और उनके उत्तर लगाइए। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अब ये 81 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थ्री। 82वां प्रश्न है और इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर, ज्ञान प्रक्रिया विश्लेषण, कॉग्निटिव प्रोसेस एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 83 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांच करना। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा अभिप्रेत करना। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, अस्पताल जाना, यानी हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल जाना। 86वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन फोर, मास मीडिया एंड जन प्रचार प्रसार माध्यम। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन तीन, आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीन, विदेशी स्कूलों का भ्रमण कर लौटा एक दल। नवासी में प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन एक, निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम समुदाय है। बस्ती की चाय की दुकानों पर चर्चा समूह, ऑप्शन दो। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक राष्ट्र का विकास, ऑप्शन तीन आंसर होगा। अनिवार्य विषयों कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा CCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, NCERT। 94वां क्वेश्चन है तो इनके मैं आपको आंसरों के टिक लगा देता हूँ। 94वें में दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चनों के आंसर उनको पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 180 प्रश्न हैं, इस वजह से मैं प्रश्नों के आंसरों के टिक लगा देता हूँ। इसका आंसर फोर होगा। 96वां क्वेश्चन है, 96वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर,
रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। क्वेश्चन नंबर 98, इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग 1964-66। तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ और इनके आंसर, इसका ऑप्शन नंबर एक आएगा इसका आंसर, तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, फंडामेंटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें गद्यांश है, तो मैं इस गद्यांश को दिखाने के लिए कैमरा के फोटो को छोटा कर देता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इनके आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा ऑप्शन एक, ज्ञान कर्म और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा ऑप्शन एक, अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होगा ऑप्शन तीन, समन्वय की भावना। एक सौ चार का आंसर होगा ऑप्शन एक, हानि लाभ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन तीन, विरोधी और विपरीत भावों का अलौकिक आनंद में विलीन हो जाना। 106 का आंसर होगा, यानी कि भोरा का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रंग, ऑप्शन तीन। एक सौ सात का आंसर होगा ऑप्शन दो, यानी कि तत्पुरुष समास। 108 का आंसर होगा तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, ऑप्शन तीन। कोयल हिंदी का है और कोकिल संस्कृत का है, कोकिला, तो यही इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, विलोमार्थी यानी विलोम शब्द बताना है जो असंगत है, तो ऑप्शन एक ही होगा, ध्वंस और विध्वंस एक ही बात होती है। परतंत्र का स्वतंत्र, निंदा का स्तुति, पाप का पुण्य। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर होगा ऑप्शन दो, तीसरा, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो जिसमें गुण नहीं है तो तीसरा ही होगा। 111 का आंसर होगा चार, नाविक। 112 का आंसर होगा ऑप्शन दो, यानी कि अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन तीन, लेख, लेखा। 14 का आंसर आएगा ऑप्शन दो, यानी भेड़े। 15 का आंसर होगा एक, दामोदर अग्रवाल। 16 में आंसर आएगा ऑप्शन दो, सोहनलाल द्विवेदी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन एक, वित्तों की हिम्मत से। 18 का आंसर होगा ऑप्शन दो,
आसमान से गिरने से बचने के लिए। 19 का आंसर होगा ऑप्शन एक होगा, आप मिलान कर लेना एक के हिसाब से। मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ और किस तरह के प्रश्न आते हैं इसका आपको पता चल जाएगा हवा की ताकत से, ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं यहाँ से, फिर तो पैराग्राफ पढ़ो फिर इनके आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 22वें क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ है वही पैराग्राफ होगा जो पहले पढ़ा था, तो इसका भी आंसर ऑप्शन दो आएगा, इट मेड हिम प्राउड एंड हैप्पी। 123वां क्वेश्चन है ये भी पैराग्राफ से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, ही टॉक्ड अबाउट हिज एंसेस्टर विद प्राइड। इंग्लिश थोड़ी मेरी लैंग्वेज सही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, मैं साइंस से हूँ तो साइंस मेरी लैंग्वेज है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन एक। 125वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन दो, बैड टेम्पर्ड। 126वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखो, आप वीडियो को रोक लिया करो जब आप पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर। 127वां है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन दो, करेक्ट आंसर होगा, रीअरेंज वाला है। 128वां क्वेश्चन ऑप्शन तीन आएगा, इसमें सेंस आएगा। 129 में ऑप्शन फोर आएगा, टू। 130वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 31वां है, इसमें आएगा ऑप्शन दो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंस से क्वेश्चन आते हैं ये बात याद रखना। 132वां देखते हैं, 132वें में ऑप्शन एक इसका आंसर आएगा जिसमें एरर है। 133वां है, तो इनका डिस्कशन हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर इनका डिस्कशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर आपको पूरा दिखाना है, इस वजह से हम सिर्फ टिक लगाएंगे। 134वां क्वेश्चन है, इसका डिस्कार्ड आएगा ऑप्शन तीन। 135वां क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन फोर आएगा, एग्री। 136, इसका आंसर ऑप्शन दो होगा, यानी प्राउड। 137 का आंसर होगा ऑप्शन तीन, एक्स्ट्रा वेजेंट। 138, इसका आंसर ऑप्शन दो, नाउन होगी, स्मोकिंग। 139, इसका आंसर आएगा ऑप्शन तीन। 140, इसका आंसर होगा ऑप्शन दो। 141, मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, अब मैथ के क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा, 141 का ऑप्शन तीन आएगा, स्थानीय मानों का योग। 142, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं आप। 143, इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक,
144 का आंसर होगा ऑप्शन फोर। एक सौ छियालीस 145 का आंसर भी ऑप्शन फोर होगा। तो ये हिंदी में है, हिंदी के वाले हिंदी में देख सकते हैं, जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में देखें। और 46वां है, इसका आंसर होगा ऑप्शन दो 13-9-29। 47वां क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर 10:10 AM। 47 का आंसर होगा फोर, 48 का आंसर आएगा ऑप्शन एक 28/79। 49 का आंसर होगा ऑप्शन तीन, 3 इसका आंसर आएगा। 49 का 3 आंसर था, ये मैंने बता दिया आपको। 50वें प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन दो, यानी 9 आएंगे इसमें। कितने आएंगे? 9। अब 51वें प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन फोर आएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखे, हिंदी वाले हिंदी में देख ले। और 52वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन दो। 54वें क्वेश्चन की ओर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन तीन, 3 इसका आंसर आएगा 12:30। क्वेश्चन नंबर 55, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं अब। तो आप वीडियो को रोक रोक करके प्रश्न देख लेना। क्वेश्चन नंबर 56 का एक आएगा, 57 का देखते हैं, तो 57 का आएगा ऑप्शन फोर, 57 का ऑप्शन फोर। 58वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन फोर ही इसका आएगा 58वें का। 59वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन तीन इसका आंसर आएगा। 60वां क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन फोर। ये इंग्लिश में है, अब हिंदी में दिखा देते हैं, ये हिंदी में है और ऑप्शन फोर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन फोर। ठीक है, आप देखते हैं, ये है हमारा 61वां क्वेश्चन, और 61वां क्वेश्चन का आंसर आएगा पर्यावरण का है, ऑप्शन फोर इसका आंसर आएगा। तो इंग्लिश वाले यहाँ देखें और हिंदी वाले यहाँ देखें। 62वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन दो, यहाँ भी ऑप्शन दो। 63वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। 64वां प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन फोर आएगा। 65वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ऑप्शन फोर आएगा। तो ये प्रश्नों को आप वीडियो रोक करके पढ़ लेना,
और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना। 66वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 आएगा, 66वां क्वेश्चन है ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। 67वां प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन 2 आएगा, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 2 लैक्टिक एसिड। 68वां प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, स्मॉल ट्रीज, छोटे पेड़। 69 का आंसर ऑप्शन 4 आएगा, ऑप्शन 4। 70वां क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1, आहार नाल प्लस सहायक ग्रंथि को मिला करके पाचन तंत्र बनता है। 71वां प्रश्न है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 केवल सी। 72वें क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। 73वां क्वेश्चन, इसकी ऑप्शन 3 सही आएगा, यानी कि कालबेलिया आएगा इसका, जो बीन बजाते हैं। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन 1 आएगा, डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक आएगा इसका। 75वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आएगा ऑप्शन 3, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये थोड़ा मैं गलत टिक लग गया है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 3 ये है, तो गलती में क्या है, जो ऑप्शन दे रखे उन्हीं में टिक लगा देते हैं, तो वहाँ नहीं हो करके नीचे भी लगाना पड़ता है, तो ऐसी गलतियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, गलती हो जाती है ऐसी, एग्ज़ाम में भी ऐसी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 75वां क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। 77वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, गोवा, गोवा इसका आंसर आएगा। 78वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ऑप्शन 1 आएगा सही, इसका आंसर है ऑप्शन 1। 79 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 आएगा, तो इसका आयोडीन आएगा, आयोडीन, ठीक है। अब ये लास्ट का क्वेश्चन है 80वां, और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये हमारे 180 क्वेश्चन थे, एक ही वीडियो में बनाए हैं। अब ऐसा करने से क्या है, इसकी जो आपको वीडियो मिलेगी वो अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, अगर मैं वीडियो को लंबा कर देता हूँ तो उसमें MB ज़्यादा खर्च होती है, जिससे कि वीडियो आपको सही क्वालिटी में नहीं मिलता और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको मैं अच्छी क्वालिटी में डाल दूँगा, छोटा वीडियो बनेगा। और आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, इतना सा तो तुम कर सकते हो हमारे लिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सहयोग मिलता है। आपने वीडियो देखा पूरा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जीवन में सफलता मिले ऐसी हम कामना करते हैं। आप अध्यापक बने KBS के, इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।